दोस्तों, अगर आप आपका खुद का घर बनवाने जा रहे हो और अगर आपने ये सोचा है कि आपके घर का कंस्ट्रक्शन का काम आपको लेबर रेट कॉन्ट्रैक्ट पे देना है किसी कॉन्ट्रैक्टर को। अब लेबर रेट कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या? इसके अंदर ओनली लेबर्स को कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा सप्लाई किया जाएगा और बाकी जितना भी मटेरियल लगेगा इस कंस्ट्रक्शन काम को करवाने के लिए वो सारा ओनर की तरफ से लेबर कॉन्ट्रैक्टर को दिया जाएगा। ठीक है, इसे कहते हैं लेबर रेट कॉन्ट्रैक्ट। अब इस लेबर रेट कॉन्ट्रैक्ट को फाइनल करने से पहले आपको वो कौन सी जो 15 चीजें हैं जो आपको पता होना जरूरी है ताकि उसमें आपका नुकसान ना हो। अगर आपको ये 15 चीजें अगर आपने जान ली और उसके बाद अगर आपने लेबर रेट कॉन्ट्रैक्ट फाइनल किया किसी भी कॉन्ट्रैक्टर के साथ, तो आपको नुकसान नहीं होगा। तो ये 15 चीजें, ये 15 पॉइंट्स मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो के अंदर शेयर करने जा रहा हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब सबसे जो पहला पॉइंट आपको समझना होगा कि जब भी हमारा घर का कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट होता है तो सबसे पहले हम लोग एक्सकैवेशन का काम करवाते हैं, राइट? सबसे पहले हम लोग वो गड्ढे बनाते हैं जिसके अंदर फुटिंग बनेगी। तो वो एक्सकैवेशन का काम सबसे पहले तो लेबर रेट कॉन्ट्रैक्ट में इंक्लूडेड नहीं होता है। इसके लिए आपको सेपरेट वहां पे पेमेंट करना होगा या फिर ये काम आपको खुद को करवा के लेना होगा अपने खुद के खर्चे से। तो ये एक्सकैवेशन का काम इसमें इंक्लूडेड नहीं होता है। ये हमारा सबसे पहला पॉइंट, ठीक है? उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है वो ये है दोस्तों कि उस गड्ढे के अंदर, उस एक्सकैवेटेड पिट के अंदर, उसके बाद जो भी कंस्ट्रक्शन के काम होंगे, जैसे कि अगर आप ब्लैक कॉटन सॉइल यानी कि काली मिट्टी के ऊपर अगर आप आपका घर बनवाने जा रहे हो तो वहाँ पे सोलिंग वर्क किया जाएगा, उसके ऊपर पीसीसी बेड कास्ट किया जाएगा, उसके ऊपर फुटिंग बनेगी, फुटिंग के साथ ही कॉलम को भी कास्ट किया जाएगा प्लिंथ लेवल तक। तो ये सारे काम जो उस गड्ढे में होने वाले हैं कंस्ट्रक्शन के, वो इस कॉन्ट्रैक्ट में इंक्लूडेड है। इसके लिए आपको कोई भी सेपरेट पेमेंट उसको नहीं करना है, ठीक है? ये लेबर रेट कॉन्ट्रैक्ट में जो भी आपका रेट फाइनल होगा उसके अंदर ही उसको ये काम करना पड़ेगा, सोलिंग का, पीसीसी बेड का, उसके ऊपर जो फुटिंग आएगी और उसके ऊपर जो कॉलम कंस्ट्रक्ट होगा प्लिंथ लेवल तक। तो ये सारे काम उस रेट के अंदर ही कॉन्ट्रैक्टर को करने हैं, ठीक है? ये हो गया हमारा सेकेंड पॉइंट। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है वो ये है दोस्तों कि ये सारे फुटिंग के गड्ढे में ये सारे काम करने के बाद, जो भी कंस्ट्रक्शन वर्क्स इसके अंदर करने जो हमने अभी डिस्कस किए हैं, ये सारे काम होने के बाद उस गड्ढे को हमको क्लोज करना होता है। उसके अंदर फिर से जो भी मिट्टी हमने एक्सकैवेट करके निकाली थी वो उसके अंदर फिर से भर के उस गड्ढे को फिर से ग्राउंड लेवल तक क्लोज करना होता है, जिसको टेक्निकल लैंग्वेज में बैक फिलिंग वर्क कहा जाता है। तो ये बैक फिलिंग वर्क भी इस कॉन्ट्रैक्ट में इंक्लूडेड नहीं होता है। जो भी आपको एक्सकैवेशन करना है, जो भी गड्ढा बनाना है, उसके लिए भी सेपरेट आपको रेट पे करना होगा या ये काम आपको खुद को ही करवा के लेना होगा अपने पैसे से। और उसके बाद जो गड्ढा हमको बंद करना होता है बैक फिलिंग करके, वो बैक फिलिंग के काम का भी खर्चा आपको खुद को बियर करना होगा ओनर को, ठीक है? ये भी लेबर रेट कॉन्ट्रैक्ट में इंक्लूडेड नहीं होता है। ये हो गया हमारा थर्ड पॉइंट। अब इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है दोस्तों कि ये बैक फिलिंग का काम करने के बाद सबसे पहले तो हम लोग ग्राउंड बीम्स का कंस्ट्रक्शन करते हैं। हमारे घर की जो आउटर बीम्स होते हैं, प्लिंथ बीम्स, उनको हम लोग ग्राउंड लेवल पे कास्ट करते हैं, जिनको कहते हैं ग्राउंड बीम्स। ये ग्राउंड बीम्स का कंस्ट्रक्शन, उसके बाद उसके ऊपर हमारी प्लिंथ लेवल की हाइट बढ़ाने के लिए हम लोग उसके ग्राउंड बीम्स के ऊपर कुछ ब्रिक वर्क करते हैं, ब्रिक वॉल का कंस्ट्रक्शन करते हैं और उसके बाद हम लोग प्लिंथ बीम्स को कास्ट करते हैं। तो ये सारे कंस्ट्रक्शन वर्क्स भी इस लेबर रेट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इंक्लूडेड है। इसके लिए आपको कोई भी सेपरेट पेमेंट नहीं करना है। प्लिंथ लेवल तक जो भी आपका बीम्स का कंस्ट्रक्शन है, जो भी आपका ब्रिक वर्क है, वो भी इस कॉन्ट्रैक्ट में इंक्लूडेड है। तो ये हो गया हमारा फोर्थ पॉइंट। अब इसके बाद हम लोग प्लिंथ फिलिंग करते हैं। सबसे पहले जैसे हम लोग ग्राउंड बीम्स बनाते हैं, उसके ऊपर ब्रिक वर्क करते हैं, तो उसके बीच में जो गैप फॉर्म होता है उसके अंदर हमको मुरूम टाइप की सॉइल फिल करनी होती है, जिसको हम लोग टेक्निकल लैंग्वेज में कहते हैं प्लिंथ फिलिंग वर्क। तो वो प्लिंथ फिलिंग वर्क भी आपको आपके खुद के खर्चे से करना होता है। ये भी लेबर रेट कॉन्ट्रैक्ट में इंक्लूडेड नहीं होता है। प्लिंथ फिलिंग का काम करने के लिए और प्लिंथ फिलिंग करने के बाद उसका जो कॉम्पैक्शन करना होता है, उसके ऊपर पानी छोड़ के या उसके ऊपर जो वाइब्रेटर की मशीन है उसका यूज करके जो भी आपको उसका कॉम्पैक्शन करना होता है, ये सारे चीजों का खर्चा आपको खुद को ही करना होगा ओनर को, ठीक है? ये लेबर रेट कॉन्ट्रैक्ट में इंक्लूडेड नहीं होता है, प्लिंथ फिलिंग और उसका कॉम्पैक्शन। ये हो गया हमारा फिफ्थ पॉइंट। उसके बाद अगर आप ब्लैक कॉटन सॉइल यानी कि काली मिट्टी के ऊपर अगर आप आपका घर बनवा रहे हो तो उस प्लिन फिलिंग के ऊपर, उस मुरूम सॉइल के ऊपर अगेन आपको सोलिंग भी करना होता है और सोलिंग के बाद पीसीसी वर्क होगा,
उसमें उसके ऊपर पीसीसी बेड कास्ट होगा। तो ये सोलिंग और पीसीसी बेड का जो काम है वो लेबर रेट कॉन्ट्रैक्ट में इंक्लूडेड होता है, उसके लिए आपको कुछ भी सेपरेट पेमेंट नहीं करना है, ठीक है। ये हो गया हमारा 6th पॉइंट। उसके बाद 7th पॉइंट ये है दोस्तों कि पीसीसी बेड कास्ट करने के बाद जो भी हम कॉलम्स खड़े करेंगे, उसके बाद स्लैब कंस्ट्रक्ट करेंगे, स्लैब बनाने के बाद जो भी आपकी दीवारें बनाई जाएंगी जिसको ब्रिकवर्क कहते हैं, दीवारों के ऊपर जो भी प्लास्टर वर्क होगा, तो अगेन ये सारे कंस्ट्रक्शन के काम जो है वो इस कॉन्ट्रैक्ट में इंक्लूडेड होते हैं। इनके लिए भी आपको कोई भी सेपरेट पेमेंट नहीं करना है। अब इसमें दोस्तों कभी कभी ये कन्फ्यूजन हो जाता है कि अगर आपकी कोई कंबाइन वॉल है, अगर आपके बगल में कोई प्लॉट है जो बिल्कुल आपके प्लॉट को लग के है, और आप दोनों की दोनों जो आपके जो प्लॉट्स है उनकी एक अगर कोई कंबाइन वॉल आने वाली है, तो उस कंबाइन वॉल के जो बाहरी साइड का जो प्लास्टर वर्क होता है आउटर साइड का, वो करना है या नहीं करना है ये आपको पहले ही कन्फर्म कर लेना है उस कॉन्ट्रैक्ट को फाइनल करते समय ही, क्योंकि बाद में कुछ कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स उसको मना कर देते हैं वो काम को करने के लिए, ठीक है। वो एज्यूम कर लेते हैं कि ये काम इसमें इंक्लूडेड नहीं है, तो ये आपको चीज़ पहले ही क्लियर करनी है कि वहाँ पे आप लोग उसको इंक्लूड करने वाले हो या नहीं करने वाले हो, जो आपकी कॉमन वॉल है नेबरिंग प्लॉट के साथ, तो उस पे आपको आउटर साइड से प्लास्टर करना है इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर या उसको सेपरेट रखना है, ये आपको पहले ही कन्फर्म करके लेना होगा, ठीक है। अब इसके बाद जो 8th पॉइंट है वो ये है दोस्तों कि ब्रिकवर्क करने के समय जो भी डोर फ्रेम्स और विंडो ग्रिल्स को फिक्स करना होता है, तो वो भी इसी रेट के अंदर उसको लेबर रेट कॉन्ट्रैक्टर को फिक्स करना होता है, ठीक है। इसमें इसके लिए कोई भी सेपरेट पेमेंट नहीं किया जाएगा। ये है हमारा 8th पॉइंट। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है दोस्तों कि जो भी फॉर्मवर्क यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा फिक्स किया जाता है सारे आरसीसी मेंबर्स को कास्ट करने के लिए, आरसीसी मेंबर्स मतलब क्या, जो भी हमारे कॉलम्स फुटिंग्स बीम्स है स्लैब्स है, तो इन सारे मेंबर्स को कास्ट करने के लिए वहां पे सेंटरिंग फिक्स की जाती है, शटरिंग फिक्स की जाती है, राइट। तो उनको फिक्स करने के लिए जो भी नेल्स की जरूरत पड़ती है, जो भी किलो की जरूरत पड़ती है, वो भी आपको ओनर को सप्लाई करने होते हैं उस कॉन्ट्रैक्टर को, ठीक है। तो ये भी खर्चा ओनर के पास होगा उन नेल्स का। अब इसके बाद जो 10th पॉइंट है वो ये है कि हमारा जो बाथरूम के ऊपर जो स्लैब आता है, अगर आप 7 फीट के ऊपर स्लैब लेने वाले हो बाथरूम्स और टॉयलेट्स के ऊपर, ठीक है, जहां भी घर के अंदर आपका बाथरूम और टॉयलेट बन रहा है, उसकी हाइट अगर आप 7 फीट तक ही रखते हो और उसके ऊपर आपका जो स्लैब आने वाला है वो अलग से काउंट नहीं होगा, वो भी इसी रेट में इंक्लूडेड है, वो जो स्लैब एरिया है वो अलग से उसमें काउंट नहीं होगा, ठीक है। ये हो गया हमारा 10th पॉइंट। अब इसके बाद जो 11th पॉइंट है वो ये है दोस्तों कि किचन में हम लोग जो लॉफ्ट बनाते हैं वो लॉफ्ट भी इसी रेट में इंक्लूडेड है, उसके लिए आपको कुछ भी सेपरेट पेमेंट नहीं करना है। एक यल शेप में लॉफ्ट प्रोवाइड करना कॉन्ट्रैक्टर की जिम्मेदारी है, ठीक है। अब यल शेप से ज़्यादा अगर आपको 3 या 4 साइड से लॉफ्ट चाहिए तो उस केस में ऑब्वियसली आपको सेपरेट पेमेंट करना होगा, बट यल शेप में कोई भी अगर आपको लॉफ्ट चाहिए उस रूम के अंदर तो वो कॉन्ट्रैक्टर को वहाँ पे आपको प्रोवाइड करना होगा इसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, उसके लिए कुछ भी सेपरेट पेमेंट उसको नहीं देना है, ठीक है। ये हो गया हमारा 11th पॉइंट। इसके बाद जो 12th पॉइंट है वो ये है दोस्तों कि कॉलम्स को कंस्ट्रक्ट करने के बाद प्लास्टर करने से पहले उनके सरफेस के ऊपर, कॉलम के और बीम के सरफेस के ऊपर आपको इस तरीके की हैकिंग करनी होती है, जिसको लेमैन लैंग्वेज में टाचा कहा जाता है, लेबर्स उसको टाचा मारना कहते हैं। तो बेसिकली ये हैकिंग का जो काम है वो भी इसी रेट में इंक्लूडेड है, इसके लिए आपको कुछ भी सेपरेट पेमेंट कॉन्ट्रैक्टर को नहीं करना है। इसके साथ ही जहां भी हमारा कॉलम और ब्रिकवर्क का जॉइंट आता है उस जॉइंट के ऊपर आपको चिकन मेश फिक्स करना होता है, जिसके चलते प्लास्टर करने के बाद फ्यूचर में आपको उस जॉइंट पे कभी भी क्रैक्स देखने को नहीं मिलेंगे। जनरली इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जहां भी आपके कॉलम्स और ब्रिकवर्क का जॉइंट होता है उस जॉइंट पे आपको क्रैक्स देखने को मिलते हैं फ्यूचर में कुछ दिन बाद, तो ये क्रैक्स अगर आपको नहीं चाहिए तो वहां पे आपको चिकन मेश फिक्स करना होता है उन जॉइंट्स के ऊपर। तो ये चिकन मेश फिक्स करने का काम भी इसी रेट में इंक्लूडेड है, उसके लिए आपको कुछ भी सेपरेट पेमेंट नहीं करना है कॉन्ट्रैक्टर को, ठीक है। ये बस आपको चिकन मेश उनको लाके देना है और वो उसको फिक्स करेंगे हर एक जॉइंट पे, ठीक है। जहां जहां भी आपका कॉलम और ब्रिकवर्क का जॉइंट है, जहां जहां भी आपका बीम और ब्रिकवर्क का जॉइंट है, उन जॉइंट्स के ऊपर वहां पे आपको चिकन मेश फिक्स करनी है, जिसके लिए आपको कुछ भी सेपरेट पेमेंट नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद जो 13th पॉइंट है वो ये है दोस्तों कि घर के ऊपर टेरेस फ्लोर पे जो हम पैरापिट वॉल बनाते हैं वो जनरली इस रेट के अंदर इंक्लूडेड नहीं होता है, ठीक है।
अब ये डिपेंड करता है कि आपका काम कितना बड़ा है। अगर अच्छा खासा बड़ा काम है, अगर आपसे आपकी 3 या 4 मंजिला इमारत है, तो उसमें कभी कभी कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स उसको इंक्लूड भी कर देते हैं पैरापिट वॉल को। बट अगर आपका 1 या 2 मंजिला इमारत का अगर काम है, तो उस केस में पैरापिट वॉल को सेपरेट रखा जाता है। उसका जो कंस्ट्रक्शन का काम है, उसके लिए जितने भी लेबर्स लगेंगे, उसका आपको सेपरेट पेमेंट करना होगा कॉन्ट्रैक्टर को। ये इस रेट में इंक्लूडेड नहीं होता है। ठीक है, ये हो गया हमारा 13 पॉइंट। इसके बाद जो 14 पॉइंट है वो ये है दोस्तों कि जो भी हमारा स्टेयर केस टावर होता है, टेरेस फ्लोर पे हमारी जहाँ सीढ़ियाँ खत्म होती है, उन सीढ़ियों के ऊपर हमको एक टावर बनाना पड़ता है, एक हेडरूम बनाना पड़ता है, जिसका स्लैब अगेन वहाँ पे सेपरेटली काउंट होगा। ठीक है, उसके लिए भी आपको सेपरेट पेमेंट करना होगा उस स्टेयरकेस टावर के लिए। उसका जो भी उसके ऊपर स्लैब आएगा वो यहाँ पे काउंट किया जाएगा, वो वहाँ पे मेजर किया जाएगा पेमेंट के लिए। ठीक है, तो ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद जो 15th और फाइनल पॉइंट है वो ये है दोस्तों कि घर बनाते समय अगर आप अंडरग्राउंड वाटर टैंक यानी जमीन के नीचे अगर पानी की टंकी बनाने वाले हो, सेप्टिक टैंक बनाने वाले हो, तो इनके लिए भी आपको सेपरेट पेमेंट करना होगा कॉन्ट्रैक्टर को। ये भी लेबर रेट कॉन्ट्रैक्ट में इंक्लूडेड नहीं होते हैं। इन दोनों कामों के लिए आपको सेपरेट पेमेंट करना होगा कॉन्ट्रैक्टर को। ठीक है, अब यहाँ पे पेमेंट कैसे करना है कॉन्ट्रैक्टर को, तो बेसिकली जितने भी स्लैब्स आपके कंस्ट्रक्ट होंगे, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप 2 मंजिला इमारत बनाने वाले हो, तो 2 मंजिला इमारत बनाते समय आपके जो दोनों स्लैब्स वहां पे कंस्ट्रक्ट होंगे, उन स्लैब्स का टोटल एरिया आपको वहां पे मेजर करना है सिंपली, उसका लेंथ मल्टीप्लाइड बाय उसकी विड्थ। ये अगर आप करेंगे, ये कैलकुलेशन अगर आप करेंगे, तो आपको हर एक स्लैब का एरिया मिलेगा। तो वो दोनों स्लैब का एरिया आपको ऐड करना है, प्लस जो आपका स्टेयर के टावर के ऊपर जो स्लैब आएगा वो आपको अलग से काउंट करना है। ठीक है, जैसे कि मैंने इस वीडियो के अंदर ऑलरेडी आपको बताया है, तो ये सारे स्लैब्स का एरिया आपको मेजर करना है, और उसको मेजर करके फिर फाइनल जो भी आपका अमाउंट आ रहा है उसके अकॉर्डिंग उस कॉन्ट्रैक्टर को फाइनल पेमेंट करना है। ठीक है, तो इस तरीके से कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट किया जाता है, इस तरीके से बेसिकली इस काम का मेजरमेंट किया जाता है स्लैब एरिया को कैलकुलेट करके। ऑलराइट, अब इसके बाद अगर आपको ये भी जानना है कि कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करते समय स्टेजेस को कैसे फाइनल करना है, कौन कौन से स्टेज को कितना कितना पेमेंट करना है आपको कॉन्ट्रैक्टर को, ये अगर आपको जानना है तो मुझे आप प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगर बहुत सारे कमेंट मुझे ऐसे मिलते हैं तो बिल्कुल मैं डेफिनेटली उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, अगर आपके लिए एक रिक्वायरमेंट है तो। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ जो भी जानकारी मैंने आप लोगों को इस वीडियो के अंदर दी है वो आपको यूजफुल लगी होगी, पसंद आई होगी। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। दोस्तों काफ़ी मेहनत लगती है, काफ़ी टाइम लगता है ऐसे वीडियोस बनाने के लिए, तो वीडियो को लाइक करना ना भूले और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।